कहते हैं ना दोस्तों, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बूझ कर भी चल सकती है। मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। अब देखिए और समझिए, मैं अपने दर्शकों को सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंसान मन से विकलांग होता है, और अगर वो मन से अगर ये विकलांगता शब्द हटा दे तो दुनिया का हर वो चीज़ कर सकता है जो कि इंसान को करना चाहिए। और देखिए कितना आसानी से सर चला रहे हैं गाड़ी, और आप देखिए देखिए आगे जाम लगा हुआ है। तो सर ये कैसे कार चला पाते हैं? इसमें हैदराबाद का जी एक टेक्नोलॉजी लगा हुआ है जी, वो जो है फिजिकली हैंडीकैप लोग हाथ से चला सके, फोर व्हीलर कार चला सके, उसके लिए वह टेक्नोलॉजी इसमें सेट किया है। जो भी ऑटोमेटिक गाड़ी है जी, उसमें ये सीट होती है जी, जिसके कारण ब्रेक और एक्सीलेटर वो हाथ में आ जाता है जी, जी। और इसके चलते आप गाड़ी को जी चला पाएंगे। अभी आप देखेंगे कैसे मैं ये चला पाता हूँ। यह डक्कन मोटर है हैदराबाद का जी, जो यह टेक्नोलॉजी मुझे दी है, प्रोवाइड किया है। जी प्रोवाइड करवाया गया है उन्हीं के द्वारा, और यह भारत सरकार द्वारा मान्यता है, मान्यता प्राप्त है, और इसके द्वारा जो है आपको लाइसेंस बन जाएगा जी, जो निशक्त लोग जो है गाड़ी को चला सकते हैं, और उसको परमिट भी दिया जाएगा, मतलब यह लाइसेंस दिया जाता है जी, कि जी आप गाड़ी चलाइए जी। बिहार में भी यह अवेलेबल हो गया है, ये संजय सर के द्वारा पहली बार जो है, संजय सर के द्वारा जो अभी ट्रांसपोर्ट विभाग के जो सचिव है, ये जो है विकलांग लोगों को ये प्रोवाइड करवाए हैं कि ये लोग भी अब फोर व्हीलर का लाइसेंस बना सकते हैं, है ना। यदि आप अपनी गाड़ी को उस अनुरूप बनाते हैं तो मैं वही टेक्नोलॉजी लगाया हुआ हूँ, देख सकते हैं आप जी। ये हैंड ब्रेक है जी, ये हैंड ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। अच्छा, इसको दबाएंगे तो गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी, एक्सीलेट हो जाएगी जी, और इसको दबाने से गाड़ी रुक जाएगी जी। ये आप देखें मैं कैसे चला पा रहा हूँ। ये जो है ऑटोमेटिक गाड़ी है ये जी, है ना, इसमें गियर वगैरह का कोई झंझट नहीं है, नहीं रहता है, है ना जी। मैं आपके सामने गाड़ी मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, है ना, और गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट जरूर लगा लें जी जी। ये गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है, ये हैंड ब्रेक है, और मैं गाड़ी को सबसे पहले रिवर्स ले लेता हूँ जी। जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह, और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं, और आज हम जिस व्यक्ति के पास बैठे हुए हैं, यह व्यक्ति हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और उन युवाओं के लिए प्रेरणा। आज इनका इंटरव्यू लेने का मकसद ही हमारा यही था कि हम उन युवाओं, उन व्यक्तियों को प्रेरणा दिलाने का कोशिश करें जो कि थोड़ी थोड़ी संकट अगर ज़िंदगी में उनको आता है, अगर कोई थोड़ा सा कोई घटना घट जाता है उनके साथ, तो वो ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। लेकिन जिस शख्सियत के पास हम बैठे हैं, इनके बारे में हम आपको क्या बताएं, ये दोनों पैर से लाचार हैं, लेकिन अपने ज़िंदगी में इन्होंने कभी हार नहीं माना है, और हम आज आपको जो अपने वीडियो क्लिप जो आगे दिखा रहे हैं और जो बाद में दिखाएंगे, उस दोनों में इनको दिखाएंगे कि अपने ज़िंदगी से आज हार नहीं भी माने हैं, और ये अभी सरकारी स्कूल में शिक्षक भी हैं, ये अपने से कार ड्राइविंग भी करते हैं, बाइक भी चलाते हैं, और हम आपको बता दें कि हम अभी तीसरे मंजिल पर बैठे हुए हैं जो इनका घर है, और इस तीसरे मंजिल पर भी ये अपने हिम्मत के सामने उन सीढ़ियों को चढ़ जाते हैं जी। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं जी। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है जी। आपका कहाँ पर शिक्षक हैं सर? मैं प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, प्लस टू स्कूल है जी, ये कोढ़ा में है जी, ये वही मैं पोस्टेड हूँ, प्लस टू का शिक्षक इतिहास विषय के जी, में मेरा चयन हुआ है 2009 दिसंबर में ही, और अभी अब तक मैं वहीं पर कार्यरत हूँ।
जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका जो दोनों पैर से आपका मैंने लाचार है, तब भी आप अपने ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचे, तो सर ये कैसे आप पहुँचे? ऐसे अधिकांश लोग जिसका पैर थोड़ा सा अगर विकलांग हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, लेकिन सर आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक कि आप अपने से कार ड्राइविंग भी कर लेते हैं और अपने परिवार का जितना भी चीज़ है वो खुद से करते हैं, तो सर ये इतना ऊंचाई, मैंने ये शिक्षक बनने तक का सर कोई ऐसा घटना बताइए जो कोई आपको प्रेरणा मिला हो। ये आत्मबल है जी, और माँ बाप का आशीर्वाद है जी, समाज के सभी लोगों का जो है मेरा नज़रिया बढ़िया रहा जी, और अच्छा नज़रिया होने के कारण ही जी मुझे आत्मबल मिला, मैं प्रेरित हुआ और एमए और बीएड तक में पढ़ाई किया। हालांकि मेरा एम लक्ष्य था कि मैं बीपीएससी कंप्लीट करूं, बीडीओ बनूं जी, दो बार मैं मेंस भी दिया जी, लेकिन मेरा चयन फाइनली वहाँ नहीं हो सका था जी। और मुख्य रूप से मैं यह कहूँगा कि अगर आत्मबल है जी और सकारात्मक सोच है तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। हमारे उन युवाओं को सर आप अपने तरफ से कुछ ऐसा बताएं जो छोटी छोटी मैंने उनके साथ अगर हादसा हो जाता है तो वो अपने ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, तो सर उनके लिए आप क्या प्रेरणा देते हैं? मैं यह कहूँगा कि कभी आत्मबल को कम नहीं करना चाहिए, सोच अच्छी रखना चाहिए जी, समाज के लिए जीने का प्रयास कीजिए जी। कुछ लोग हार इसीलिए मान जाते हैं, वो खुद के लिए जीने का प्रयास करते हैं जी। यदि आप दूसरे को सुख देने का प्रयास करते हैं, दूसरे को ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो आपको प्रत्येक दिन लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं जी। अपने दर्शकों को बता दे कि ऐसे लोग जब भी आपको जहां भी मिले प्लीज़ उनको कोऑपरेट करें। और चलिए हम सर के बारे में और भी कुछ जानते हैं सर की। सर पिछले साल कब शादी हुई थी? 2017 में इन्होंने शादी किया और इनकी जो वाइफ है बहुत खूबसूरत है, हम उनसे भी बात करेंगे जी। मैडम आपका नाम क्या हुआ? सचिना जी। सचिना, सचिना कुमारी। तो सर से कैसे शादी हुआ? अरेंज मैरिज हुआ कि लव मैरिज हुआ? अरेंज मैरिज हुआ। सर को पहले देखी थी आप? नहीं देखे थे। अच्छा मैडम ये बताइए कि सर के साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको तो दिक्कत परेशानी नहीं होता है? नहीं, कभी दिक्कत ऐसा कोई चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा है? नहीं, अभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। चलिए चलते हैं सर के साथ ड्राइविंग पे और सर ही गाड़ी चलाएंगे। चलिए हम और इनकी वाइफ और सर तीनों व्यक्ति रहेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आदमी मन से विकलांग होता है, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप हो सके दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं सर के साथ और सर ही गाड़ी चलाएंगे और हम उन्हीं के गाड़ी में मैडम से भी बात करेंगे और सर से भी बात करेंगे। विद्यालय लेके आए हैं हम लोगों को, ये है सर का विद्यालय, आप देखिए, देख सकते हैं। आप देखिए ये सर का विद्यालय है और सर यहीं बच्चों को पढ़ाते भी हैं। आज संडे है इसी वजह से स्कूल में ताला लगा हुआ है, लेकिन हमारे बहुत कहने पर सर यहाँ आए हैं। अब देखिए भव्य बिल्डिंग और सर यहीं पर पढ़ाते हैं। सर ये विद्यालय का क्या नाम है? प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल कोढ़ा, प्लस टू स्तरीय है यह। अच्छा, यहाँ इंटर की पढ़ाई होती है। इंटर की जी जी। तो सर यहाँ कभी कोई परेशानी तो नहीं होता? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा रास्ता का भाव है। अच्छा अच्छा। इस कारण से कभी कभी जब बारिश वरिश होती कीचड़ लगता है जी, तो आने में मुझे परेशानी होती है, फिर भी मैं आता हूँ क्योंकि आना है। बच्चे आपको कोऑपरेट करते हैं? हाँ, बहुत कोऑपरेट करते हैं और हमारे क्लास के बच्चे बहुत अच्छा भी मार्क्स लाते हैं। अच्छा, अच्छा। मेरे विषय में मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को 95 नंबर 100 में 95 नंबर अभी तक आया है, तो मुझे अपने आप में भी एक थोड़ा सा गर्वान्वित महसूस होता है जी, जी। कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बिहार लेवल के मार्क्स लाते हैं, 100 में हिस्ट्री में 100 में 95। अच्छा, अच्छा। जी जी। सर की एक नन्ही सी गुड़िया भी है, क्या नाम है बेटा आपका? बताइए बताइए, कम उम्र की है, बताइए क्या नाम है?
देखिए गुड़िया प्यारी सी गुड़िया हंस रही है। नैना नाम है। नैना नाम है आपका। बोलो बेटा। जय करो बेटा, जय करो, जय करो। देखिए जय भी कर रही है। चलिए सर, कैसा लग रहा है आपको बाइक चलाने में? बहुत बढ़िया लगता है। कार भी चला लेते हैं, बाइक भी चला लेते हैं सर, क्या राज है? जी बहुत अच्छा चला लेता हूँ ये मैं, बस हिम्मत चाहिए जी। कोई आज तक सिखाया नहीं कैसे चलाना चाहिए। अच्छा, स्वयं सिखाऊं, चाहे वो कार हो या जो है एक्टिवा बाइक हो। जी एक्टिवा बाइक अच्छा है, मजबूत गाड़ी है। अच्छा एक्टिवा बाइक चलाते हैं ना सर? जी जी। अच्छा है जी। और इसमें बगल से दो व्हील जो है पीछे जी। और मैं इस गाड़ी से भी मैं अपने घर तक पहुंच गया हूं जी। एक बार में लगभग जो है 150 किलोमीटर